खनिया थाना जनपद की ग्राम पंचायत त्रिवई में घटित हुए लाखों के एक घोटाले में सरपंच सचिव के द्वारा इंजीनियर से सांठगांठ करके सरकार के खजाने से लाखों रुपए निकाल लिए गए, पर धरातल पर ढेले भर का काम नहीं हुआ। खनिया थाना जनपद की ग्राम पंचायत त्रिवई में लंबे समय से भ्रष्टाचार बना हुआ है। यहां पर विभागीय प्रमुखों ने सरपंच सचिव और रोजगार सहायक को अपने कमीशन के लालच में लाखों की राशि आहरण करा दी है, पर धरातल पर कोई काम नहीं किया। शासन भले ही जिले की ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए करोड़ों की राशि जारी कर रही हो, लेकिन इस राशि को सहायक यंत्री और इंजीनियर किस तरह अनुमति देकर और किस प्रकार से फर्जी टीएस मूल्यांकन करके जमकर दुरुपयोग करा रहे हैं, ये खनिया थाना की ग्राम पंचायत रेवई में देखा जा सकता है। पंचायत राज संचालनालय के निर्देश के बावजूद भी ग्राम पंचायतों में फर्जी तरीके से राशि आहरण कराकर विकास कार्यों का सिलसिला जारी है। नरेगा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क से मजरा उसरा तक सड़क के कार्य की स्वीकृति लागत 14,07,000 जिसमें से करीबन 13,73,237 रुपए निकाले गए, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ। मजरा उसरा से खिरिया की ओर से कार्य की स्वीकृत लागत 14,28,000 जिसमें से 13,90,038 रुपए निकाले गए। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने खनिया थाना जनपद पंचायत के सीईओ और अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम से भी की है, पर अभी तक कार्यवाही देखने को नहीं मिली। वहीं ग्रामीणों ने जब सचिव से बात की तो सचिव का कहना है कि ये सब तो सिस्टम का काम होता है, कहीं भी शिकायत कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखना होगा कि उक्त राशि आहरित कैसे हुई, अगर राशि आहरित हुई तो धरातल पर कार्य क्यों नहीं हुआ। फिलहाल राशि आहरित होने के बाद से अभी तक कोई रोड का निर्माण नहीं कराया गया। इससे तो ये सचिव की कही बातों को सिद्ध करता है कि ये सब सिस्टम का काम है, और जिससे राशि तो आहरित हो गई है और पूरी लाखों की राशि को मिलीभगत कर दोनों रोडों की राशि हड़प ली। इस संबंध में हमारी टीम ने खनिया थाना के जनपद पंचायत सीईओ राम प्रसाद गोरछिया से बात की तो सीईओ ने खुद माना है कि राशि अधिक निकाली गई है पर काम नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने मामला जांच के लिए भेजा है, जांच प्रतिवेदन होगी तो कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। मेरी ग्राम पंचायत रेवई में वर्ष 2020 में नरेगा योजना के अंतर्गत दो रोड स्वीकृत हुए थे। एक रोड की लागत 14,07,000 रुपये और एक रोड की लागत 14,28,000 रुपये। मौके पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, और जिसमें जीएसबी कंक्रीट मटेरियल ना रोलिंग की गई है, और सचिव विकास पाठक ने नरेगा पोर्टल पर रोड कंप्लीट दिखाकर पूर्ण राशि हड़प ली है। मैंने खनिया थाना जनपद सीईओ को भी आवेदन दिया है, एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया है। मैंने इस चीज़ में जिला पंचायत सीईओ सर को से भी मेरी बात हुई, इस चीज़ में अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपका गौरव, कहाँ के रहने वाले हो? रेवई पंचायत। क्या हुआ आपकी पंचायत में मामला? हमारी पंचायत में ये मामला हुआ कि रोड के पैसे 6 महीने पहले निकलवा लिए थे और जनपद के अधिकारी जांच करने आए थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सुरेंद्र गुप्ता, बीएस रघुवंशी सर जी आए थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई ना करते हुए, और आज संडे 16/1/2022 का दिन, संडे को कोई भी अधिकारी ना आने के बावजूद आज रोड रातों रात 10 ट्रैक्टर, दिन में भी 5-6 ट्रैक्टर चल रहे हैं और रात को भी 10-12 ट्रैक्टर चला के जेसीबी से ये रोड कंप्लीट करा के दर्शा देंगे, जिससे लीपापोती हो जाए। ये समझे अधिकारी कि सब कुछ काम ठीक था, कोई शिकायत का वो नहीं हो। दो रोड स्वीकृत हुए थे, उनकी राशि 6 महीना पहले निकाल ली गई और अब शिकायत करने पर अब रोड डर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरजेंद्र यादव है, मैं ग्राम पंचायत रेवई का रहने वाला हूँ। 2020 में दो रोड स्वीकृत हुए थे मेरे ग्राम पंचायत में, जिसमें ना ही जीएसटी कंक्रीट हुआ है, ना ही रोलिंग की है, और इसमें 27 लाख की राशि थी, जिसमें 27 लाख की राशि थी और पंचायत के सेक्रेटरी विकास पाठक द्वारा पूरी निकाल दी गई है और जी पोर्टल पर पूरा कंप्लीट दिखा के रोड को, कोई भी काम कंप्लीट नहीं। सर, एक मामला आया था रेवई ग्राम पंचायत में, जो निर्माण कार्य की राशि निकाल ली गई है और अभी तक निर्माण नहीं कराया, इस बारे में आप कहते हैं? हाँ, मेरे पास एक कुलदीप यादव नाम के एक सज्जन ने, उन्हें शिकायत फोन के जरिए बताया था।
तो ऐसा नहीं है, काम तो हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि राशि अधिक निकाल ली है तो अभी कोई कार्य पूरा नहीं हो गया है, और उसकी हमारे यही रघुवंशी जी जांच कर रहे हैं, वो जो प्रतिवेदन देंगे तो उसके बाद जो भी स्थिति निकल के आएगी कार्यवाही करेंगे। सर अगर उसमें जो भी उसमें अनियमितता पाई जाती है इसमें क्या कार्रवाई रहेगी? आप वसूली होगी, अधिक राशि निकाली गई है मौके पर उतना काम नहीं है, या फिर काम करेगा एजेंसी, छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी।